देखिए आज हम आलू की टिक्की बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने बड़े साइज के 6 आलू उबाल लिए हैं। मैंने आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने 3 घंटे पहले आलू उबाल लिए। ये आलू इसलिए उबाले हैं पहले क्योंकि इनका अंदर का पानी निकल जाए। अब मैं इसमें सब मसाले तैयार कर रही हूँ आलू अंदर। ये मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, 3 बड़े चम्मच मैंने सूजी चावल का आटा लिया है, 2 चम्मच मैंने अरोरा रोड लिए, और आपके पास नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें 1 नींबू का रस मिला रही हूँ। एक चम्मच मैं काला नमक डाल रही हूँ इसमें, 1 चम्मच मैं सादा नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको मिश्रण को तैयार कर रही हूँ। देखिए मेरा टिक्की का मिश्रण तैयार है। अब मैं छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ इसकी। देखिए ये मैंने लोई बना ली है, और आप थोड़ी मोटी बनाना चाहो तो मोटी भी बना सकते हो। मैं इस तरीके से सभी लोई तैयार कर लूँगी। मैं एक पैन में तेल गरम कर रही हूँ। मैं गैस ऑन कर रही हूँ, जब तक मैं पिट्टी तैयार कर लेती हूँ टिक्की तैयार कर लेती हूँ मैं इनके आलू की, जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है। अब आपके पास अरोरा रोड नहीं हो तो आप ज़रूरी नहीं है ऑप्शन में अरोरा हो तो डालो, ये ना मत डालना अरोरा रोड। चावल के आटे से भी आप टिक्की बना सकते हो। देखिए मैंने टिक्की तैयार कर ली है, 9 टिक्की बनी है मेरे आलू के मिश्रण में। अब तेल गर्म हो गया है, मैं तेल में छोड़ रही हूँ इनको। आप तवे भी सेक सकते हो, आप अगर तैयार हो तो, मेरे पास बड़ा तैयार नहीं है इसलिए मैं पैन में सेक रही हूँ इनको। गैस को मीडियम ही रखनी है, धीमी गैस में सेकनी है। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए उसके बाद में पलटनी है इनको। गैस को मीडियम ही रखना है आपको। देखिए मैं इनको धीरे धीरे पलट रही हूँ। आप इस तरह से धीरे धीरे पलट दीजिए। देखो बिल्कुल ब्राउन हो गई है एक साइड से। देखिए मैं पलट के देख रही हूँ, मैं हमारी टिक्की सीख चली है। ये देखिए दोनों साइड से हमारी टिक्की सीख गई है। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड से कुरकुरी एकदम क्रिस्पी हो गई है। देखिए बिल्कुल एक दोनों सब टिक्की हमारी दोनों साइड से सीख गई है। ये हमें मीडियम गैस पे ही सेकनी है। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए हमारी टिक्की तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एक बार ट्राई जरूर करना, शेयर जरूर करना। और आप देख रहे हैं कि हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए ये गर्म है, मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ एकदम। ये देखिए हमारी टिक्की अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ट्राई ज़रूर करना एक बार आप।